सीधी सी बात है कि ईश्वर हम कहां से आए, अपने माता पिता के यहां से, ईश्वर के यहां से आए। जो हमारा माता पिता ईश्वर है, वहां वही तो घर हुआ हमारा, ईश्वर है अंश। शास्त्र कहता है भाई ये शिक्षा कहां मिलेगी आपको, ये कौन बताएगा, ये आपको दुकान नहीं बताएगी। इसीलिए बिनु सत्संग संत दरबार में आप जाओ। एक बार क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए अमेरिका में, बड़ा भव्य स्वागत हुआ। एक वहाँ के जो केंद्र थे, बड़ी भारी आयोजन किया गया। एक संत भारत से आया है, देखने में तेजोमय हैं, उनकी स्वागत करना चाहते हैं हम, आमंत्रित किया गया स्वामी विवेकानंद जी को। और जैसे ही स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे, उनके स्वागत में वहाँ की रीत थी, जब कोई अतिथि आता है, कोई बाहर का व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले उसके स्वागत में एक नर्तकी पेश की जाती है। ये वहाँ की रीत नियम था। जैसे हम आप कोई अतिथि आ जाए तो उसको भांति भांति से स्वागत सत्कार करते हैं। तो हुआ क्या कि जिस समय विवेकानंद जी का आसन मिला, बैठे, यथोचित आदर सम्मान किया गया, उसके बाद नर्तकी को पेश किया गया सामने। जिस समय नर्तकी आई, क्या कहती है, जैसे ही विवेकानंद जी को ये मालूम हुआ कि मेरे स्वागत के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, उनके कान खड़े हो गए, विचार करने लगे मैं कहाँ गया। उनका अरे क्या बात हो गई भाई, उनका बात ये हो गई, ये है जो आप कर रहे हैं, ये एक संत के सामने हमारी भारतीयता में ऐसा विधान नहीं। संत आया है तो कुछ सत्संग होना चाहिए, कुछ भगवत चर्चा होना चाहिए, यही हमारी साधकता है। लेकिन ये क्या हो रहा। और जैसे ही ये नर्तकी को ये मालूम हुआ कि स्वामी जी ऐसा कह रहे हैं, और स्वामी जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई ये हमसे नहीं देखा जाएगा। नर्तकी क्या कहती है, प्रभु मेरे, ध्यान देना जरा, अब हम चल रहे हैं अपने विषय पर आज की। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, ये सूरदास जी का पद है। यद्यपि सूरदास जी ने भगवान से निवेदन किया, आज वो नर्तकी एक संत के सामने अपनी फरियाद को रख रही, क्योंकि उसने देखा मेरे आते ही स्वामी जी उठ गए। वहीं से कहती है प्रभु मेरे, और जहां प्रभु शब्द निकाला उसने, दूसरा शब्द था मेरे। देखिए यह है सत्संग, प्रभु मेरे। स्वामी जी जाने ही वाले थे, ठहर गए, ये मेरे शब्द कहाँ से आ गया, मैं इसका कब से हो गया, ये कब से मेरी हो गई, जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हो भाई। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो, क्यों, समुदर्शी है नाम तिहारो। मैंने सुना है संत कैसा होता है, संत ऐसा होता है कि जड़ चेतन गुण दोष में और विश्व कीन करतार, और संत हंस गुण गहाई पे और परिहरि, और आप मेरे अवगुण को देख रहे हैं। ये संत की पहचान नहीं है। विवेकानंद जी रट हुए,
बैठ गए, कहते हैं कहो मैं आज तुम्हारा ये कला देखने के लिए तैयार हूँ, तुमने मुझे जगा दिया। आज तक मैं अवगुणों से कुछ सना हुआ था, मेरी साधना पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन आज तुमने मुझको जगा दिया और मेरी हस्ती को तुमने पहचान लिया और मुझे पहचाना दिया। मैं तुम्हारे अंदर कुछ अवगुण देख रहा था, लेकिन आज से मैंने ये निश्चित कर लिया कि गुण और दोष तो सब में होंगे, लेकिन हमें गुण को खींचना है और अवगुण को छोड़ देना। कहो क्या कहना चाहते? प्रभु में अवगुण चित ना धरो, समुदर्शी है नाम तिहारो, सोई पारी करो। प्रभु में अवगुण चित ना धरो, कैसे? एक लोहा पूजा में राजत, एक लोहा उसको हम मूर्ति बना करके पूजते, और एक लोहा बाण में लगा करके किसी का वध कर देते, लोहा दोनों। लेकिन जिस समय पारस के सामने दोनों जाते हैं तो पारस ये नहीं देखता कि ये बधिक वाला लोहा है, ये भगवान वाला लोहा है, वो दोनों को क्या करता है? सोना बना लेता। एक लोहा पूजा मेरा जत, एक घर बधे के परो, अरे सो दुविधा पारस नहीं राखते, और कंचन करते खरो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। दूसरी बात और भगवान और सुनिए, एक नदिया एक नाल कहावत, एक नदिया में नदी में बहुत जल होता है और एक नाले में गंदा जल होता है, लेकिन जब दोनों सागर में जाते हैं तो क्या वहाँ नाला नाला रह जाता है? क्या नदी वहाँ नदी रह जाती है? दोनों का जब स्पर्श होता है तो सागर हो जाते हैं। इसी तरह से मैं भले ही हूँ, नाला हूँ, लेकिन मैं आपका दर्शन करके, मैं आपकी शरण पे आकर के क्या मैं अब नाला रह गई? एक नदिया एक नाले कहावत, अरे मैलो नीर भरो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नाले कहावत, मैलो नीर भरो, और सब मिली एक बरन भय, और क्या हुआ? गंगा नाम परो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित ना धरो। और क्या कहना चाहती हूँ? तन माया जीव ब्रह्म कहावत, ये तन माया का जो दिखाई दे रहा है ये माया, और इसके अंदर जो देख रहा है वो है ब्रह्म, वो है जीव, ये दोनों मिल गए। जैसे एक पवित्र गंगा जी और एक शराब दोनों मिल जाए तो बिगड़ गया, अगर बिगड़ गया वो फिर कोई पान करेगा उसको? यद्यप गंगा जल है उसमें, लेकिन कोई फिर पान? अच्छा, और वही शराब जिसमें गंगा जल मिला हुआ है और आप जा करके गंगा जी में डाल दो और फिर उसी से गंगा जल ले लो, बोलो पवित्र हो गया कि ना हो गया? तो ऐसे कह रहे थे, ऐसे हम आप लोग बैठे हैं, ये तन माया और इसमें जीव है वो ब्रह्म, ये दोनों मिल गए। कैसे शुद्ध होंगे? एक ही रास्ता है कि इसको जाकर के अपने को नाम रूपी समुद्र में डाल दो, और नाम में वो ताकत है जिसका हम आप अभी थोड़ा सा उच्चारण करें। कैसे भी कुछ भी हो, सोई पावन, यहां से हमने प्रसंग उठाया था, सोई पावन।